नमस्कार, मैं श्रद्धा शंभरकर केसरी उजाला के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत करती हूं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सिविल में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर है। सिविल में 3 लोगों के गिरने के बाद लोगों ने बचाने की कोशिश, लेकिन 2 लोगों को नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 पॉलिटेक्निक छात्रों की रोडवेज बस से गुजरकर मौत। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने रोड जाम कर दिया। बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का गिरा स्लैब, इस हादसे में कई मजदूर दबे। जेल में बंद आजम खान से मिलने सीतापुर जाएंगे अखिलेश यादव, रामपुर लोकसभा पर होगी चर्चा। आगरा में अपहरण कर 5 साल की बच्ची की हत्या, बच्ची की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। बच्चे का अपहरण फिरौती वसूली के लिए किया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का आगाज आज पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम अपने नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे आतिशी और सौरभ भारद्वाज हिरासत में लिए गए। होली के मौके पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। होली पर रेलवे ने 5 और ट्रेनों के संचालन का किया ऐलान। कंधे पर 12 बोर की बंदूक टांग कर थाने जा पहुंची 62 साल की महिला, पुलिसकर्मी चौंक कर कुर्सी से खड़े हो गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होते ही रोहिंग्या मुसलमानों पर अलग बहस छिड़ गई। सेक्टर ने एक याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अवैध ढंग से आए रोहिंग्याओं को अगर रोकने दिया जाए तो देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है।